BGMI न्यू अपडेट और न्यू रॉयल पास A6, इसके 1-100 RP रिवॉर्ड्स और इसकी कुछ और स्पेशल सीक्रेट्स। आज के इस वीडियो में ये सब चेकआउट करने वाले हैं हम, रिव्यू भी रहने वाला है। लेकिन ये क्या है, हेलो जैस्मिन क्या कर रही है यहाँ? हमारा बंदा अलादीन है और जैस्मिन साथ में घूम रही है कार्पेट पे, ये सही है। ये कुछ टीजर्स है जो की नए अपडेट में यहाँ एड कर दिए, तो इन टीजर्स से हमें अंदाजा लग रहा है की किस तरह की थीम रहने वाली है एक्चुअल अपडेट में। अच्छा, तो ये है वो अरेबिक बेली डांस जिसमें हाथों में चिंगारियां छोड़ के दुख निकाल लेता है लाइलैक फिनिस। रैंक 80 पे मिल रहा है ना ये? तो क्या हाल है, कैसे हो आप? A6 रॉयल पास 1-100 रैंक रिवॉर्ड्स आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि अब तो लग रहा है मैंने बेकार में एक सूट्स पे लाखों यूसी खर्ची, यही बढ़िया थे। मतलब ऐसे खतरनाक इमोट्स इन रॉयल पास में आने लग गए ना कि एक सूट के इमोट फीके कर दिए इन्होंने तो। ये देखो स्काइरिन सेट, स्काइरिन कवर, ये तो रैंक 1 वाला आउटफिट है, लेजेंडरी आउटफिट है, मिथिक नहीं है। इसके साथ कोई खास इमोट भी नहीं आता, पर आगे देखना आगे क्या क्या आने वाला, क्योंकि आगे रैंक 10 लेवल 10 पे A6 रॉयल पास में जो VSS की गन स्किन है ना यार, इसका 3D लुक अब दिखाया और अब देखने के बाद ऐसी लग रही है कि यार बहुत ही मस्त स्किन है, क्योंकि ये VSS नए रॉयल पास में मैचिंग आई है बिल्कुल आउटफिट के साथ, गोल्डन VSS है। लेकिन रॉयल पास का रिव्यू वीडियो है तो नई चीजें कैसे मिस कर सकते हैं। होम कॉइन एक नई करेंसी ऐड कर दी जो रॉयल पास में मिल रही है इस बार से, वही जो होमलैंड अपडेट में यूज होती है, मिनी माइनक्राफ्ट वाली। मुझे तो बिल्कुल BGMI का मिनी माइनक्राफ्ट लगा यार, ये कुछ ज्यादा अंतर लगा नहीं मुझे। तो आगे यार रैंक 15 पर है चेरी बीट फ्री इमोट, ये भी सही सही है यार, इतना कोई बढ़िया इमोट है नहीं है, पर प्लेन फिनिश इस बार की थोड़ी सी यूनिक लग रही है मुझे। फिर इसके आगे जब A6 रॉयल पास के रिवॉर्ड्स मैंने देखे तो यहाँ रैंक 20 पर मुझे एक दिखा नया हेलमेट जो कि पर्पल व्हाइट और गोल्डन शेड का है। ऐसे मिलते जुलते हेलमेट वैसे तो गेम में पहले भी आ चुके हैं, पर ठीक है चलो, जिनके पास नहीं था उनके लिए एक और हेलमेट भी ऐड हो जाएगा। बायगॉन रेल्म हेलमेट नाम है इसका, इस बार की थीम से मैच कर रहा है वैसे ही। और होमलैंड अपडेट की एक नई चीज इसके साथ भी है, दीवारों पे चिपकाने वाला वॉलपेपर अपने घर में लगा होमलैंड अपडेट में, ये रॉयल पास में है। फिर इस वॉलपेपर और हेलमेट के बाद रैंक 25 लेवल 25 पर एक फ्री पैराशूट है, फ्री रॉयल पास वालों को भी मिलेगा। और उसके बाद फिर जो रैंक 30 पर ग्रोजा है ना भाई, देखने वाली चीज तो वो है, रेड डॉग ग्रोजा, रेड गोल्ड कलर की एक ग्रोजा की स्किन एक मिथिक इमोट के साथ रैंक 30 पे दिख रही है। यहाँ ये अपग्रेडेबल में आ जाती तो और भी जबरदस्त लगती, पर चलो हमें पता ही है अपग्रेडेबल में कौन सी गन आई है, तो ये भी सही है क्योंकि बढ़िया लग रही है यार ये भी। और फिर तीसरे नंबर पर मतलब रैंक 30 लेवल 30 पे ये रहा ड्रेड डॉग इमोट, मिथिक इमोट है ये वाला, रैंक 30 पे गारंटीड इमोट मिल रहा है। इसमें क्या ही छलांगे मार रहा है कैरेक्टर, घूम फिर के नीचे टपकता है। फिर इसके आगे यहाँ लेवल 40 पे जब मैंने पहला मिथिक आउटफिट देखा रॉयल पास का, तो यार मजा ही आ गया, क्या ही कमाल का आउटफिट लग रहा है ये वाला, ड्रेड डॉग सेट, ड्रेड डॉग कवर, बिल्कुल ही रेवन का मिनी रेवन हो गया ये तो, मिनी रेवन जैसा लग रहा है। और अब अपग्रेडेबल सीरीज की नई गन थॉम्सन SMG मैक्स होने के बाद ऐसी लगेगी, इसकी किल फीड देखते हैं पहले तो। यार बिना किल फीड के गन का क्या ही फायदा, गन हो तो किल फीड वाली वरना ना हो। तो ये नए रॉयल पास में रैंक 50 पे हमें मिल जाएगी यार, पैन आ गया अपग्रेडेबल, DPS अपग्रेडेबल दे दी, UMP दे दी और अब थॉम्सन दे दी अपग्रेडेबल। फिर रैंक 55 पे यहाँ एक और फ्री मोड दिख रहा है, दो फ्री मोड है, ये है लिसनिंग इन, कानों से कुछ तो सुन रहा है भाई बंदा। और इसके नीचे एक यूनिक गन स्किन दिख रही है मुझे, पिस्टल की गन स्किन है, श्राउडेड स्पेक्टर R1895, इस पिस्टल की गन स्किन मिल रही है यार। लेकिन ये तो थोड़ी सी अलग लग रही है, अब तक जितनी भी पिस्टल की गन स्किन आई है मुझे ये सबसे बढ़िया लग रही है जो रॉयल पास में आई। फिर बारी है बैकपैक के 3D लुक को रिव्यू करने की, तो ये है इस बार का नया बैकपैक, बीच में डायमंड लगा हुआ है इसके, ये भी इस बार के मोड अरेबिक नाइट्स वाली थीम से ही मैच कर रहा है, तो पूरे थीम से मैच करने वाले रॉयल पास रिवॉर्ड दिए हैं इस बार। पिछली बार पता नहीं क्यों थीम से मैच नहीं कर रहे थे, इस बार तो प्रॉपर थीम मोड से मैच कर रहे हैं रिवॉर्ड। लेकिन इसके साथ ही मैं फिर से होमलैंड अपडेट का रिवॉर्ड चिपका दिया, देख रहे हो तुम, यहाँ वॉलपेपर मिल गए 5 और, तो वॉलपेपर भी लगाओ और रॉयल पास रिवॉर्ड भी लो। अब इसके आगे अवतार दिख रहा है, फिर एक ऑर्नामेंट है शायद, हाँ ये ऑर्नामेंट मिल रहा है यहाँ पे 65 लेवल पे। पर इसके आगे यहाँ रैंक 70 पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, मुझे तो ये लगा था कि ये ऑप्शनल रिवॉर्ड में आएगी जैसे पिछली बार स्कूटर की स्किन आई थी, पर ये तो गारंटीड रिवॉर्ड में वॉलेट वेंचुरा जेट स्की की स्किन दे दी ना, स्पीड बोट वाली स्किन यहाँ पे कंफर्म रिवॉर्ड में आ गई। तो अगर रैंक 70 पर फ्री आउटफिट का जैसे रिवाज रहता है भाई, वही दे रखा है यहाँ भी, कुछ खास तो है नहीं है, फ्री आउटफिट ऐसी देते हैं कि भाई ये लो रख लो, झेलो इस आउटफिट को, जिंदगी में कभी पहनो भी मत। मतलब इस तरह के आउटफिट क्यों देते हो यार, दे रहे हो तो कुछ ढंग का दो या फिर मत दो, ये कुछ है। वैसे यार क्या लगता है आपको मुझे कमेंट्स में बताओ, ये जो फालतू के आउटफिट देते हैं इससे अच्छा थोड़ी यूसी दे दो यार, 2-4-5 यूसी थोड़ी बहुत दे दो इन आउटफिट का, क्या करेंगे हम, कोई नहीं पहनता इन्हें, अब यूसी दे दो यार इसके, कम से कम यूसी से कुछ ओपनिंग कर लेंगे, कुछ तो काम आएगी। चलो A6 रॉयल पास में यहाँ UMP की स्किन भी दिख गई हमें, तो
यूएमपी की एक फ्री स्किन दिख रही है इधर, एपिक वाली है शायद वो, और फिर ये स्टन की स्किन दिख रही है, लेकिन इसके साथ है एक मिथिक इमोट जो कि अभी हम पहले भी चेकआउट कर रहे थे। ये इमोट तो बवाल है यार, क्या ही जबरदस्त इमोट है, देख रहे हो तुम क्या हाथों से फ्लेयर छोड़ता है उसके बाद गोलियां चलाता है, सही इमोट है। फिर आगे लेवल 85 पर एक कार्ड है, वही उसी डिस्काउंट वाला मिनी मटेरियल है उसके बाद, लेकिन अब यहाँ पे लेवल 90 पर है ये वाली मिस्टिक मार्वल M16A4 की स्किन जो कि एक लेजेंडरी स्किन है। तो ग्रोजा की लेजेंडरी स्किन हो गई, एक M16A4 की स्किन हो गई, एक VSS हो गई, UMP हो गई, एक पिस्टल की स्किन हो गई, और ये मिनी माइनक्राफ्ट होमलैंड अपडेट वाले दीवारों के वॉलपेपर भी भर रखे हैं इन्होंने, 15 दिख चुके हैं हमें अब तक, 5 5 5। फिर यहाँ पे आ जाता है अब अपना फाइनल मिथिक सेट, ये है लाइलैक फिनिश सेट लेवल 1, और हर बार की तरह ये भी अपग्रेडेबल है, यहाँ से रिकलर करो इसे, अपग्रेड कर लो मन चाहे कलर्स में सेट कर दो। फाइनली रिव्यू कर लिया हमने A6 रॉयल पास रिवॉर्ड्स रैंक 1 से रैंक 100 तक, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी हैं, तो ये वाला विक्ट्री डांस इमोट है जो कि परचेज करने के बाद अपग्रेड करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, या फिर फ्री में यूज कर लो जो कि स्टैच्यू बुलाने के बाद विनर विनर चिकन डिनर करने के बाद मिलता है। पर ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये इस बार स्पेशल 6th एनिवर्सरी का विक्ट्री डांस है, और पहली बार किसी एनिवर्सरी पे विक्ट्री डांस कोई आया है तो ये वाला है, तो ये थोड़ा सा यूनिक भी लग रहा है बाकी इमोट्स से। फिर इसके आगे रिडीम ऑप्शंस में एक और डुअल स्लैश नाम का स्पेशल मिथिक इमोट दिख रहा है, देख रहे हो हाथों में कैसे दोनों ब्लेड्स निकाल लेता है और उसके बाद ब्लेड में सी अजीब सी चिंगारियां छोड़ने लगता है कैरेक्टर, तो ये वाला इमोट भी बढ़िया लग रहा है वैसे तो मुझे, पर ये गारंटीड रिवॉर्ड्स में आ जाता तो और भी अच्छा रहता। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहां पे एक और स्पेशल रिडीमेबल रिवॉर्ड है जो कि है ये वाला फ्रैग ग्रेनेड, टॉक्सिक टॉनिक ग्रेनेड, और इसकी एक एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट भी है, तो मतलब ये ग्रेनेड एलिमिनेशन फीड के साथ आता है तो इसीलिए ये भी स्पेशल है इस बार। देन 6th एनिवर्सरी फ्रेम, और उसके बाद ये वाला विंगमैन वॉलेट वेंचर विंगमैन, ये पूरा पर्पल कर दिया है, पहले ऐसा होता था कि भाई बीच बीच में ब्लैक स्ट्राइप दे देते थे, लेकिन ये तो बढ़िया कलरफुल विंगमैन लग रहा है यार, तो ये वाली चौपर की स्किन भी रिडीम करने लायक है इस बार, और ये खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार के विंगमैन और प्लेन फिनिश दोनों ही मैचिंग है, तो मतलब ये सारे रिवॉर्ड्स रिव्यू करने के बाद इस बार कुछ तो ऐसी फीलिंग है चलो रॉयल पास रिवॉर्ड्स में भी कि ये स्पेशल 6th एनिवर्सरी के रिवॉर्ड्स हैं, क्योंकि उसी हिसाब से थीम बिल्कुल मैच कर रखी है इन्होंने। सो फाइनली अब बात कर लेते हैं रिलीज डेट्स के बारे में कि क्या इवेंट कैलेंडर रहने वाला है नए अपडेट का, नए रॉयल पासेस का क्या चीज, कब आ रही है, किस वर्जन में, और कैसे कैसे खेल सकते हो, कब कब खेलने के लिए मिलेगी। तो देखो अपडेट 3.1 ग्लोबल वर्जन में कल शाम को ही आ चुका है, उसका अपडेट फाइल दे चुके हैं गेम वाले, लोग अपडेट भी कर चुके हैं, लेकिन नया मोड कल ऐड हो रहा है ग्लोबल वर्जन में 13 मार्च को, यानी कि शैडो फोर्स मोड का आज लास्ट डे है ग्लोबल वर्जन में, आज के बाद रिमूव कर दिया जाएगा और नया रॉयल पास आ रहा है 17 मार्च को ग्लोबल वर्जन और कोरिया वर्जन में 17 मार्च, और BGMI में नया अपडेट आ रहा है 26 मार्च को, तो 3.1 अपडेट 26 को आ जाएगा BGMI के अंदर, और रॉयल पास कब आ रहा है तो तुम देख ही सकते हो, पता चल जाएगा, ये एंड होगा एक महीने में, इसके बाद नया रॉयल पास A6 आ रहा है जो कि है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को A6 रॉयल पास BGMI में आ जाएगा, लेकिन ऐसी और अमेजिंग सीक्रेट्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू ऑल।